तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल KPM फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो त्रिनिदाद T20 लीग खेली जा रही है, इसका भाई जो आज के दिन का दूसरा मैच और टूर्नामेंट का सिक्स्थ मैच खेला जाएगा, जो कि खेला जाएगा ACSC वर्सेज PVU के बीच में। तो इन दोनों ही टीम्स की आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए भाई, टाइम बहुत ही ज़्यादा कम बचा हुआ है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और जब आपको वीडियो मिलेगी तब टाइम इससे भी कम बचा होगा। तो वीडियो आपको जब भी मिले ना, वीडियो को कंप्लीट देखना है और भाई वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि अभी आप देख सकते हो 11 बज चुके हैं। ऊपर आप देखोगे तो आपको दिखेगा टाइम 11 बज गए हैं करेक्ट, और अब मैं वीडियो बनाने लग रहा हूं तो भाई इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा। अब चलिए भाई बात करते हैं इस मैच के स्टैट्स के बारे में। सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अभी बता दूँ। देखिए अभी हम जो भी बात करेंगे ना इस मैच से रिलेटेड, वो भाई सिर्फ एक डेमो टीम के बतौर बात होगी, फाइनल टीम आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलने वाली है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अभी के अभी आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर चलिए भाई बात करते हैं मैच के बारे में। तो भाई मैच के अगर डेट एंड टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 12:30 पर मैच खेला जाना है। टाइम डेट की बात करें तो भाई आप देख सकते हो यहाँ पर 8 तारीख मैंने लिखी हुई, क्योंकि भाई 12 बजे आपको पता है नेक्स्ट डेट लग जाती है इसीलिए। वेन्यू की बात करें तो भाई नेशनल क्रिकेट सेंटर त्रिनिदाद वेस्ट इंडीज़ में मैच खेला जाएगा, और पूरी की पूरी लीग भाई यहीं पर खेली जानी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाई पिच रिपोर्ट की बात करें तो बैलेंस्ड विकेट है, बैटिंग बॉलिंग दोनों को अच्छी खासी हेल्प मिलेगी, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ जो देख कर आपकी आँखें मतलब सच में एक तरह से खुली की खुली ही रह जाएंगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि बैलेंस्ड विकेट है, लेकिन भाई बॉलर्स को स्टार्टिंग के ओवर में कुछ ज़्यादा हेल्प यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अब चलिए भाई बात करते हैं यहाँ पर टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है। देखिए दोस्तों लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, सबसे ईजी और बेस्ट वे आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाइए। और दूसरा तरीका भाई आपको सर्च करके ज्वाइन करना है, लेकिन सर्च करते टाइम ध्यान रखिएगा यूज़र नेम आपको सेम टू सेम यही डालना है, अदरवाइज आप किसी फेक चैनल पर पहुँच जाओगे और आपका लॉस हो सकता है, किसी फ्रॉड के हाथों में आप फंस जाओगे, तो भाई उसमें मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। यूजर नेम भाई ध्यान से देख लीजिए, @KPM, KPM के तीनों लेटर स्मॉल, उसके बाद बिना स्पेस के 321, ठीक है। इसके आगे स्पेस भी आपको नहीं लगाना है, ठीक है। तो अदरवाइज भाई कोई फेक चैनल मतलब हर तरीके के फेक चैनल बने हुए आपके भाई के नाम पर। यहाँ पर अगर बात करें तो आप सीधा सर्च कर सकते हो @KPM321, सिंपली बस आपको इतना सर्च करना और आपको हमारा चैनल यहाँ से मिल जाएगा। अब यहीं पे आप देख लीजिए एक फेक चैनल आपको नीचे दिखेगा @KPM321, यहाँ पर आप देखिए हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं 5.9K की फैमिली, यहाँ पर 6.9K मेंबर्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये देखिए फेक चैनल यहाँ पर बना हुआ है हमारा है भाई, यूजर नेम @KPM321, यहाँ पर आप देख सकते हो @KPM321 सेम लिख दे ताकि भाई सर्च में आ जाए। सेम भाई फोटो जो मतलब यहीं से डाउनलोड करके फोटो लगा ली, मतलब पागल बनाने का बहुत ही बढ़िया जरिया इन्होंने ढूंढ रखा है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ भाई इनके चक्रों में आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं यहाँ पर डेमो टीम के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट्स हैं जो आपके साथ शेयर करने बहुत ज़्यादा जरूरी है। एवरेज स्कोर की बात करें तो भाई 140 से 160 के बीच में रहेगा। वहीं अगर बात करें यहाँ पर टीम परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर दोनों ही टीम्स अपना लास्ट मैच हार के आ रही है। वेन्यू की अगर बात करें तो 4 मैच खेले गए, चारों के चारों मैच बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने विन की है, तो ये चीज़ आपको ज़रूर से ध्यान में रखनी है, क्योंकि भाई देखिए जो भी टीम टॉस जीतेगी ना वो पहले बॉलिंग करने के लिए भागेगी और सेकेंड इनिंग में बैटिंग करते हुए चेज करते हुए विनिंग करना पसंद करेगी, क्योंकि यहाँ का जो वेन्यू है भाई वो इसी प्रकार का है और यहाँ की पिच इसी प्रकार है से भाई सेकेंड इनिंग में बैट्समैन को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो टॉस के बाद जो फाइनल टीम आएगी ना वो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि अभी देखिए टॉस हुआ नहीं है तो भाई अभी मैं आपको टीम प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगा। वही अगर दोनों टीम्स के लास्ट मैसेज की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बैटिंग ऑर्डर का अंदाज़ा लग जाए, इससे ज़्यादा और तो कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर अगर बात करें PVU की तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो मार्सेले जोन्स ओपनिंग करते नजर आएंगे, आरोन नानन के साथ वन डाउन नजर आएंगे भाई आपको, ईटन भाला आपको नजर आएंगे, जोवन अली 2 डाउन नजर आएंगे, डोमेन जोचिम को बात करें तो भाई ये आपको 3 डाउन नंबर 5 पर आएंगे, इसके अलावा शेरविन गंगा नंबर 6 पर आएंगे। वहीं अगर गेंदबाजी की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो फेरल जगमोहन 2 ओवर डाले, 1 मेडिन ओवर और सिर्फ 11 रन दिए। इसके अलावा भाई अगर नीचे अगर आप देखो तो मार्सेले जोन्स आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करते दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भाई मैं आपको दिखाता हूँ टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करते दिख रहे हैं और भाई बॉलिंग भी कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए मस्ट पिक हो गया। नीचे अगर आप देखोगे
भाई यहाँ पर आपको दिखेंगे जो विशाल और रूपनारी ने, इन्होंने दो ओवर में एक विकेट निकाला। शेरविन गंगा भाई दो ओवर डाले थे कंप्लीट, चार ओवर ही आपको डालते नजर आएंगे। सेम भाई जोवन अली भी आपको ओवर डालता नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ये पाँचों के पाँचों गेंदबाज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। पाँच गेंदबाजों में भाई आपके तीन बैट्समैन भी आ गए, जोवन अली, शेरविन गंगा, मार्सेले जोन्स। ठीक है, अब अगर बात करें यहाँ पर जो दूसरी टीम है ACSC की, तो ये भी भाई अपना लास्ट मैच हार के आ रही है। अगर इनकी बैटिंग की बात करें तो यहाँ पर भाई आप देख सकते हो जो डेंजिल एंटोनी, ये भाई ओपनिंग करते नजर आएंगे। नदीम मोहम्मद वन डाउन खेल रहे हैं। इसके अलावा भाई बात करें शत्रुघ्न रामबरन नंबर तीन पर खेल रहे हैं। डेंजिल एंटोनी ने 21 रन बनाए, नदीम मोहम्मद ने 9 रन बनाए। इसके अलावा भाई जो शत्रुघ्न रामबरन, इन्होंने 22 रन बनाए। नीचे आके भाई जो जाबरी मिल्स है जल्दी आउट हो गए थे, नंबर चार पर बैटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा लैंडन नेल्सन की बात करें तो भाई 30 बॉल पर 31 रन बनाए, ये आपको 5 नंबर पर खेलते दिखेंगे। इसके अलावा भाई बात करें रिवेल रामनरीन की, तो ये भी आपको यहाँ पर नंबर 6 पर खेलते दिखेंगे। इससे ज़्यादा नीचे भाई बैटिंग की आप उम्मीद करना भी मत। वहीं अगर इनकी गेंदबाजी देखी जाए तो भाई तीन ओवर डाले राकेश सी चरण ने, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तीन ओवर में 18 रन। कीरोन जोन की बात करें तो दो ओवर में एक विकेट निकाला। जस्टिन मैनिक की बात करें तो तीन ओवर डाले विकेटलेस गए। इसके अलावा भाई अगर बात करें यहाँ से राजीव रामनरीन की, तो दो ओवर में 18 रन दिए विकेटलेस गए। जाबरी मिल्स की बात करें तो विकेट कीपिंग सेक्शन में दिखेगा आपको, दो ओवर डाले 23 रन देकर एक विकेट भी निकाला, नंबर चार पर बैटिंग भी कर रहे हैं। शत्रुघ्न रामबरन की बात करें तो ऑलमोस्ट दूसरा ओवर डाल रहा था और भाई यहाँ पर नंबर तीन पर बैटिंग भी कर रहे थे। भाई यहाँ पर आपके लिए दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं डेमो टीम की। डेमो टीम में अगेन आपको बोल रहा हूँ, अभी मैं आपको बना के दिखा दूंगा, लेकिन फाइनल टीम आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। यहाँ पर अगर बात करें तो जे मिल्स और रिटर्न बाल दोनों मस्ट हैव पिक रहेंगे, दोनों हमारी टीम में रहेंगे। शेरविन गंगा, डी एंटोनी दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। नीचे आके भाई आप यहाँ से एल नैनसल को ट्राई कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से भाई रिवेल रामनरीन को ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। अभी के लिए मैं ड्रॉप करके चलूँगा यहाँ से जो क्या नाम भाई इसका शत्रुघ्न रामबरन, ये हमारे लिए मस्ट हैव पिक रहेगा। जे मैनिक को आप ट्राई कर सकते हो, यहाँ से जे अली हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा भाई आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो ए नानन को। ए नानन आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बैटिंग भाई टॉप ऑर्डर में आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ, बैटिंग भाई इनकी टॉप ऑर्डर में रहेगी, ये चीज़ थोड़ी इनके फेवर में जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो ओपनिंग कर रहा है, तो आप इसे जरूर से अपने टीम में ट्राई कीजिएगा। यहाँ से अगर बात करें बॉलिंग सेक्शन की, तो वीर उपनरीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा अगर यहाँ से बात करें तो राजीव रामनरीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, नंबर चार पास पर बैटिंग प्लस भाई बॉलिंग। इसके अलावा नीचे अगर आप चलोगे तो भाई के जोन को मैं अपनी टीम में यहाँ से ले रहा हूँ। CVC की बात करेंगे तो भाई कैप्टन मैं यहाँ से बना रहा हूँ एस रामबरन को। इसके अलावा VC की अगर बात करें तो भाई आप यहाँ से जे मिल्स के साथ जा सकते हैं, या फिर भाई आप यहाँ से जा सकते हैं ई बाल के साथ। लेकिन अगर आपको थोड़ा और सेफ जाना है तो भाई आप यहाँ से कहाँ पे गए भाई डी एंटोनी के साथ जा सकते हो। ठीक है, अभी के लिए मेरे CVC कुछ इसी प्रकार के रहेंगे। बाकी अगर इसमें कुछ भी चेंजमेंट होता है, कुछ भी अपडेट आती है, तो उसकी डायरेक्ट अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सबसे इजी और बेस्ट वे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, अभी के अभी जाके ज्वाइन कर सकते हो। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलने वाली है। अभी आप इस टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।